मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मंत्रियों के कार्यभार संभालने का सिलसिला आपने देखा और अब उसमें एक्शन भी दिखाई देना शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने पहला फैसला लेते हुए किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की। सरकार का सबसे ज्यादा फोकस कृषि, किसान और रक्षा, बेरोजगारी, पीएम आवास जैसे क्षेत्रों पर है। नई सरकार अपने एजेंडे के तहत पहले 100 दिनों के अंदर कुछ बड़े कदम उठाना चाहती है और इन 100 दिनों में क्या होगा इसको लेकर अटकलों का दौर भी शुरू है। इस बीच कुछ मंत्रालयों ने अपना एजेंडा भी जनता के सामने रख दिया है। आज हम मोदी सरकार 3.0 के 100 दिनों के एजेंडे पर चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। कहां कहां फोकस होगा, किन किन सेक्टर को ग्रोथ मिलेगी, ग्राउंड पर उसका क्या रिफ्लेक्शन होगा। खास मेहमान होंगे मेरे साथ, लेकिन पहले आप देखिए ये पूरा एनालिसिस अगले 100 दिन के एजेंडे का। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। सोमवार को उन्होंने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया है। पीएम मोदी ने पहला फैसला लेते हुए किसान सम्मान निधि की पहली किस्त जारी की। अब मोदी सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर पूरे देश की नजर है। अब आइए सबसे पहले बात करते हैं कृषि मंत्रालय की। शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय कृषि मंत्री बनाया गया है। शिवराज सिंह ने कार्यभार संभालते ही अपने 100 दिन के एजेंडे को जनता के सामने पेश कर दिया। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 2027 तक खाद्य तेल और दलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार दालों के लिए नए देशों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की योजना बना रही है। खाद्य तेल का इंपोर्ट घटाने और इथेनॉल सप्लाई बढ़ाने पर भी सरकार का फोकस है। तुअर और उड़द दाल की उपज बढ़ाने के लिए सरकार खरीद गारंटी योजना भी ला रही है ताकि किसानों की फसलों को खरीदा जा सके। इतना ही नहीं, सरकार दाल की पैदावार बढ़ाने के लिए पूरी फसल खरीदने की तैयारी कर रही है। सरकार ने इसके लिए किसानों से प्री रजिस्ट्रेशन कराने की बात भी कही है। यही नहीं, कृषि विभाग के मुताबिक सरकार किसानों को उन्नत बीज भी मुहैया कराएगी ताकि अच्छी पैदावार हो सके। इधर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही है। हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक पेट्रोल डीजल के दाम में औसतन 30 से 40 रुपए एक्साइज और वैट होता है। सरकार पेट्रोल पर करीब 35.75%, डीजल पर 28% एक्साइज ड्यूटी लेती है। ऐसे में अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आ जाएगा तो ग्राहक को इसका फायदा मिलेगा। अब डिफेंस सेक्टर की भी बात कर लेते हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी इस बार राजनाथ सिंह को ही रक्षा मंत्री बनाया गया है। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने की बात कही है। जानकारी के मुताबिक हथियारों के घरेलू उत्पादन पर सरकार का ज्यादा फोकस रह सकता है। सरकार की योजना है कि हथियारों के आयात पर बैन लगाया जाए और देश में निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। बता दें कि साल 2023 से 2024 के बीच रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ के पार निकल गया है। अगले 5 से 6 सालों में 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा गया है। यही नहीं, अगले 5 सालों में रक्षा उत्पादन 2,00,000 करोड़ के कारोबार का लक्ष्य रखा गया है। कुल मिलाकर कहें तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मंत्रियों के कार्यभार संभालने के साथ ही एक्शन दिखाई देना शुरू हो गया है। नई सरकार अपने एजेंडे के तहत पहले 100 दिनों के अंदर बड़ा कदम उठाने का प्लान तैयार कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीरूज खंबाटा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चेयरमैन रसना ग्रुप और CII नेशनल कमेटी अफर्मेटिव एक्शन एंड स्पेशल एबिलिटी। बहुत बहुत स्वागत है पीरूज सर आपका हमारे शो पर। सबसे पहले तो सर आपकी एक्सपेक्टेशंस ही और जो 100 डेज का खाका प्री इलेक्शंस भी खींचने की कोशिश की गई थी, कुछ मैसेजिंग देने की कोशिश की गई थी और अब भी कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं अगले 100 दिन में कहां सरकार का फोकस रहेगा और कहां रहना चाहिए? पहले तो ये इलेक्शन के पहले से ये गोल लगा दिया है विकसित भारत का, और ये जो एक डेट दिया है मेरे हिसाब से वो डेट बहुत आगे है और हम उसको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, त्रिकोण करना चाहते हैं। और ये करने के लिए जो प्लानिंग है वो भी काफी दिनों से, 5 से 6 वीक्स से, महीनों से चल रहा है। और मेरे हिसाब से इसके जो मेन मुद्दा ये है कि कैसे इंडिया में हर विभाग, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो ऐसा एक एजेंडा बनाए, तो हर मंत्री या मंत्रालय में ऐसा एक एजेंडा बने कि डेवलपमेंट और रिफॉर्म थोड़ा स्पीड से चले। और ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन द कमिंग फ्यू 100 डेज ओनली। इवन लास्ट टाइम हमने देखा था कि पहले जो एक एक्सीलेटर पे पाव लगता है नहीं तो बहुत जल्दी हो जाता, जैसे हाईवे पे जाते हैं तो स्पीड में पहले ही लगा दिया, पहले आधे घंटे में ही लीड ले ली। तो मेरा मानना है ये सरकार भी यही प्लानिंग कर रही है। और इसमें जो सबसे बड़ी इश्यू है जो इंडस्ट्री को फेस हो रही है वो मेरे हिसाब से अभी भी स्टेट लेवल रिफॉर्म है।
कि जो स्टेटों में जो रिफॉर्म लगने हैं, लेबर के हो, पावर के हो, फ्यूल के हो, लैंड के हो, उसको कैसे बढ़ाया जाए। और मेरा मानना है कि जैसे कि हमने जीएसटी में एक जीएसटी काउंसिल बनाया और स्टेटों को साथ में लाके एक नया रिफॉर्म जीएसटी, जो मेरे हिसाब से टैक्स सेक्टर में बहुत बड़ा रिफॉर्म है जो हम कर पाए, ऐसे ही स्टेट लेवल रिफॉर्म करने की जरूर है और एक रिफॉर्म काउंसिल स्टेट लेवल बनाने की जरूर है। और आज मोस्ट ज्यादा तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी के हैं, तो वो मेरे हिसाब से ज्यादा जल्दी भी हो पाए। ऑलराइट सर, तो ये नंबर वन एजेंडा है। अगर आप चाहो तो जो मेरे हिसाब से जो बाकी भी एजेंडा है मैं और भी बताऊंगा। बिल्कुल सर, मैं आऊंगा एक एक करके, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाह रहा हूँ कि पूरी इकोनॉमी के हिसाब से अगर ड्राइव करना है और उसमें जो इंडस्ट्री की जो डिमांड्स रही हैं, थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस बताइए सर। आप एफएमसीजी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, वहाँ पर आप ज़्यादा और अच्छे तरीके से समझा पाएंगे हमें। ये जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हुई, बाद में ये समझ में आया कि ईज़ ऑफ डूइंग ऊपर ऊपर तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फैक्ट्री लेवल पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अभी तक आई नहीं है। इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट रहा है। आपको लगता है इन दो चीजों पर सरकार काम कर रही है, 100 डेज में एजेंडा में शामिल होगा सर? 100% और ये इस पे काम किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप कोई भी चले जाओ, कोई अपने कोई मैं रिसर्च की बात नहीं करता हूँ, वर्ल्ड बैंक और कोई डेटा की बात नहीं करता हूँ, कोई भी छोटे से एस्टेट में चले जाओगे लोग बोलेंगे कि नहीं ये ऑनलाइन करने से आज मोस्टली किसी को गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं जाना पड़ रहा है। वो हकीकत है, आज आपको एक फूड लाइसेंस लेना हो तो कहीं जाना नहीं, ऑनलाइन मिल सकता। आपको किसी को अपील फाइल करनी ऑनलाइन हो सकती है, इनकम टैक्स का रिफंड ऑनलाइन आ सकता है। आज मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट ने लास्ट 4-5 साल में जो डिजिटल इंडिया का काम किया है वो पूरे वर्ल्ड में एक रोल मॉडल है। इंडिया की बात छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम बहुत आगे है पहले से। और अभी जो नया जो मेरे हिसाब से करने की जरूरत है कि डीम्ड अप्रूवल, कि आपने अप्लाई भी किया तो अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो डीम्ड अप्रूवल हो गया। और एक पहले क्या था, एक विंडो था खाली, ये विंडो था एप्लीकेशन विंडो। आज डिजिटलाइजेशन हम वहां तक ले गए हैं कि पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस भी वहीं हो रहा है, अप्रूवल भी वहीं मिल रहा है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से हम काफी आगे बढ़ गए। अब आपने दो कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात की, मैं तो कहूंगा एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है, ईज ऑफ लिटिगेशन, ईज ऑफ गेटिंग जस्टिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट इंपॉर्टेंट है और दोनों में मैं 2 मिनट लूंगा। कॉस्ट में सबसे बड़ा जो कॉस्ट है इंडिया का, आज हम लोग हर चीज में आगे हो चुके हैं, एक्सेप्ट कि आज जो ट्रेड इंबैलेंस है हम अभी भी आगे नहीं है। हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा है, हमको कुछ भी करके एक्सपोर्ट बढ़ाना है। थोड़ा सा आपको पीछे सर, मैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे आ रहा था क्योंकि मैं जितने लोगों से इंडस्ट्री में बात कर रहा हूँ उनके लिए बड़ा दुभर है ये, अभी ये विषय कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, महंगाई, रॉ मटेरियल की महंगाई, ये उनको काफी खाए जाती है। यही बात कर रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना ज्यादा है कि आदमी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, मैं वही कह रहा हूँ। आज अगर कॉस्ट बिजनेस कम होगा दो फायदे होंगे, एक तो ग्राहक को एक सस्ता काम वो मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा और हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। आपने राइट भी बोला, मैं फूड प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल की बात करता हूँ। आज एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं टमाटो पेस्ट का। इंडिया में टमाटो ही टमाटो है, जितने चाहो इतने टमाटो कहीं भी उगते हैं। काफी बार ये भी होता है टमाटो रोड पे गिर जाते हैं, तो भी आज की तारीख में टमाटो पेस्ट इंपोर्ट होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो टमाटो केचप बनाती है, टमाटो सूप बनाती है, उसमें इंपोर्टेड टमाटो पेस्ट यूज करती है। आप बोलोगे क्यों जरूरी है उसकी, कोई जरूरी नहीं है, इंडिया में ही टमाटो उग रहा है, पर हम उसको टाइम से प्रोसेस नहीं कर पा रहे। वो जो टमाटो है सपोज 1000 किलोमीटर दूरे में, मेरे वाले आऊंगा 2 रुपए का टमाटो ही वो 10 रुपए हो जाएगा। तो जो अगर उसका जो पूरा कॉस्ट गिनूं और मैं पूरा बना बनाया टमाटो पेस्ट अगर XYZ कंट्री से खरीदता हूँ वो उससे सस्ता पड़ेगा। तो ये एक चीज समझने की जरूर है कि जो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक, बिल्कुल लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट और जो सीमलेस कनेक्टिविटी होनी चाहिए फार्मर्स, मंडी और कंज्यूमर्स में, वो एक इशू है। अदरवाइज मेरे को समझाओ ना। मेरे को सर, मेरे साथ एक खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, कृष्णबीर चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष भारतीय कृषि समाज के। थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ, थोड़ा सा और समय लग रहा है उनको कनेक्ट होने में। यस सर, तब तक आप ये जो इसके लिए करना क्या होगा सर, ये जो फार्मर्स, मंडीज और कंज्यूमर्स के बीच में एक सीमलेस नेटवर्किंग होनी चाहिए, उसमें क्या करना होगा? इसीलिए जो हम एग्रो फूड प्रोसेसिंग की बात करें, उसमें जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म एक एजेंडा में लास्ट टाइम बड़े पैमाने पे लिए गए थे, फिर आप सबको पता है कोई रीत से उसको थोड़े पीछे हटे। आज जो सरकार है, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फायदा है कंसेंसस की सरकार है, उसमें बाकी गवर्नमेंट पॉलिटिकल थॉट के लोग भी मिले हुए हैं, वो अच्छी चीज है, मैं कहता हूँ पॉजिटिव है।
मेरे हिसाब से जो फार्म लॉ में बाकी बहुत चीजें थी जिसमें कंसेंसस था, जिसमें कंसेंसस नहीं था उसको बगल में रखते, बाजू में रखते हैं, पर जिसमें कंसेंसस था ऐसी चीजों को आगे करके फार्म लेवल रिफॉर्म करने से सबसे बड़ा फायदा फार्मर को होगा और उसका डबलिंग द इनकम होगा, सेकंड फायदा कस्टमर को होगा, कस्टमर को जो एग्री प्रोडक्ट से सही भाव पे मिलेंगे, थर्ड फायदा एक्सपोर्ट को होगा, अगर राइट चीज को प्रोसेस कर पाएंगे तो विश्व भर में उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और चौथा ऑफकोर्स इंडस्ट्री का फायदा होगा, हमारा फायदा ये होगा अगर इंडियन प्रोडक्ट से इंडियन माल बना पाएंगे ना कि हमको इंपोर्ट करना पड़े। तो मेरे बट एक चीज और है सर, एक चीज और है जो होल्डिंग ऑफ फूड आइटम्स है आपका, सप्लाई चेन्स में जो स्मूथनेस होनी चाहिए, इसकी वजह से जो प्राइस एस्केलेशन आते हैं, मतलब आपकी नीतियों की वजह से, ये कोई वैसी इश्यूज नहीं है इसमें, सिर्फ अगर आपने निगरानी टाइट कर दी, अच्छे से काम कर लिया, तो यहाँ पर आप प्राइस एस्केलेशन को मॉनिटर कर सकते हैं और उसको अच्छे से मैनेज भी कर सकते हैं, तो वहां पर क्या करना होगा सर? अभी भी 20-25 साल पहले और आज भी ये इश्यू है कि साहब आपका सप्लाई चेन स्मूथ नहीं है, आपके फूड आइटम्स की आज भी होर्डिंग होती है, और चलिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे तो मैं बाद में आऊंगा, उस पर तो अब सरकार कह रही है कि जीएसटी के दायरे में लाएंगे, लेकिन सप्लाई चेन और होर्डिंग ऑफ फूड आइटम्स ये एक इश्यू है सर अभी भी। जीएसटी की आपने बात छेड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट काफी प्रोडक्टों पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में भी ऐसे बहुत से प्रोडक्ट है जिसमें एंड प्रोडक्ट का 10-15% चीज है वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, और उसमें जो फ्यूल कंपोनेंट है रफली 50% है, और उसपे जो टैक्स है जो हमको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है वो 3-4% है, तो अगर इनपुट क्रेडिट मिल जाता है तो 100 रुपए के माल पे 3 रुपए की क्रेडिट है, और वो एक्चुअली मेरे जेब से नहीं जा रहा है, वो कस्टमर कंज्यूमर के जेब से जा रहा है। Yes. वो जो जीएसटी है वो मेरे जेब से भी, मैन्युफैक्चरर के जेब से नहीं जा रहा है, वो कस्टमर दे रहा है, और वो इनपुट क्रेडिट नहीं मिलने से इतना महंगा हो जाता है। तो अगर आप ये सब जो फ्यूल है इलेक्ट्रिक, सेम फॉर इलेक्ट्रिक ड्यूटी, ये जो चीजों को आप जीएसटी के दायरे में लाओगे तो एक्चुअली दाम गिरेंगे कस्टमर के। हम ऐसे बोलते हैं कि भैया हमको टमाटो पे कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, टैक्स नहीं है, एग्री कमोडिटी टैक्स फ्री है, और उसके ट्रांसपोर्टेशन पे तो है, तो अगर उसके उसके ट्रांसपोर्टेशन में है तो एक्चुअली तो कस्टमर दे ही रहा है ना उसका पैसा। सिमिलरली अगर कोई भी चीज जो एक्सपोर्ट होती है उसमें जो पोर्ट चार्जेस इंडिया के है, जो लॉजिस्टिक चार्जेस है, वो आई थिंक एस्ट्रोनॉमिकली हाई है। हमारी कंपनी बाकी कंपनियों में भी ऑपरेट करती है, यहाँ के जो ओवरऑल लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो आपने वो सही बोला। और सेकंड, खाली उस पर पेट्रोल और लॉजिस्टिक पे नहीं जाते हैं, सेकंड एक चीज और भी है, इंडिया की गवर्नमेंट ने जो लेबर कोड बनाए हैं मेरे हिसाब से बड़े फ्यूचरिस्टिक है, और इसमें सोशल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ESI दिया है, PF दिया है, कंपलसरी बहुत सी चीजें, वो अच्छी है। तो जो हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में जब काम करते हैं तो जो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है वहां ये सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, और उसके कारण जो कॉस्ट ऑफ क्या बोलते हैं लेबर है वो हमारा बहुत ज्यादा है। मैं तो ये कहता हूँ वो नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है कि उसका जो थोड़ा पार्ट गवर्नमेंट को इंडस्ट्री को रिएम्बर्स करना चाहिए, एटलीस्ट लेबर इंटेंसिव सेक्टर में, कि जो सेक्टर में लेबर इंटेंसिव बहुत है, फॉर एग्जांपल लेदर, फूड प्रोसेसिंग, टॉयज, इसमें हम वर्ल्ड में कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं, लेदर में थोड़े करते हैं बिकॉज वी हैव द लेदर, पर बाकी सब इंडस्ट्री की बात करो तो जैसे कि हम उसमें अगर कोई भी जात का या सोशल सिक्योरिटी का और इसके लिए स्किलिंग भी जरूरी होगी सर मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्विकली, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेरा पर्सनल मानना है कि ये गवर्नमेंट को जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है उसके लिए एक स्पेशल स्कीम बनानी पड़ेगी, और ये जो PLI स्कीम हमने बनाई है काफी सेक्टरों में बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक सर, और मेरे हिसाब से PLI स्कीम एक गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सक्सेस रही है। ऑलराइट सर, पर लेबर इंटेंसिव सेक्टर है उसमें PLI को और ज्यादा, हमने बोला कि आप इतने लेबर लगाओ, इतना पैसे का कैपिटल लगाओगे गवर्नमेंट ये पैसा देगी, मैं कहता हूँ थोड़ा रिवर्स करते हैं, आप इतना एम्प्लॉयमेंट कर लो गवर्नमेंट पैसा देगी, अल्टीमेटली इंडिया में एम्प्लॉयमेंट करना है तो खाली सर्विस सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट से कुछ नहीं होने वाला। इंडिया की जो मेन आबादी है वो रूरल एरिया में है, वहां फैक्ट्रियां लगने से, वहां एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट लगने से डेफिनेटली वहीं की वहीं लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। यानी कि ये आपका बहुत अच्छा सजेशन है सर, अगर इसको गवर्नमेंट लेना चाहे तो बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन जो आपने दिया है वो यही है कि पूरे फार्म सेक्टर को आप फ्यूचरिस्टिक जो डिमांड की जो ट्रेजेक्ट्री है उससे जोड़िए, फैक्ट्री एक्सपेंशन होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन उससे होगा,
और थोड़ा सा वापस इंडस्ट्री को भी दीजिए ताकि उनके लिए जो लेबर कॉस्ट है कम से कम उस मोर्चे पर उन्हें राहत मिले। तो मुझे लगता है कि इस तरह से होलिस्टिक अप्रोच के साथ अगर गवर्नमेंट चले तो सब बात बन सकती है, लेकिन चुनौतियां काफ़ी हैं। देखते हैं सरकार इन चुनौतियों से कैसे पार पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया पेरू सर वक्त निकालने के लिए आपका। थैंक यू सो मच।